टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में कोरोना की रैपिड टेस्टिंग करवाने के लिए अब लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको बता दें कि मनपा ने सभी दुकानदार और हॉकर्स को रैपिड टेस्ट करवाना अनिवार्य किया है। टेस्ट करने के बाद आप अपनी दुकान संतुष्टि के साथ खोल सकते हैं। इसके अलावा दुकानदार हॉकर्स के अलावा भी कोई भी रैपिड टेस्ट जाकर अपना करवा सकता है। अमृतनगर दरगाह के पास आरोग्य केंद्र और शादी महल गली में एक सेंटर खोला गया है, जहां टेस्ट करवाने के लिए लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। आपको बता दें कि ये टेस्ट बिल्कुल फ्री किया जा रहा है मनपा द्वारा। बस आपको यहां एक फॉर्म मिलेगा, उसे भरकर जमा करना होगा और अपना रैपिड टेस्ट करवाना होगा। आज सुबह जब हम मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी से बात किए, तब तक 120 लोगों का रैपिड टेस्ट किया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति को पॉजिटिव पाया गया। अच्छी बात यह है कि कुछ ही देर में इसकी रिपोर्ट आ जाती है और जो व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया था उसे MM वली के कोरोना सेंटर में भेज दिया गया है। कहीं ना कहीं मनपा द्वारा इस टेस्टिंग के जरिए मुंब्रा में और भी कोरोना पर लगाम लग सकती है। इस दौरान मनपा के कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी और नगर सेवक जफर नुमानी ने क्या कहा है, सुनिए। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें से 30-30 मिनट्स के अंदर पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव मालूम पड़ता है। बोलो तो इमीडिएट टेस्ट है, तुरंत मालूम पड़ता है। इसके लिए आप कर रहे हैं सभी लोगों का, सभी हॉकर्स है, घर कोई भी आदमी कर सकता है, सभी लोगों को करने का है। और उसके बाद में RT-PCR भी है। RT-PCR टेस्ट के लिए शिवाजी नगर में अपन बूथ लगाए, उधर जाके शिवाजी नगर और ये आज इधर है शरीफा रोड में, और 3 बढ़ा रहे हैं, आप 5 हो जाएगा शादी महल। हाँ हाँ, लगातार और शिवाजी नगर में चालू है। ये तो रैपिड टेस्ट फ्री में रखा है, इसके बाद में RT-PCR जो टेस्ट है वो भी करेंगे तो उनको खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं पॉजिटिव है, नेगेटिव है बाबा, और पॉजिटिव रहेगा तो उसको तुरंत भी आज एक इसमें से एक 80 लोग हो गए, अभी 80 लोगों में से एक पॉजिटिव निकला, अपन तुरंत उसको एम्बुलेंस में बिठा के अपना स्टेडियम का हॉस्पिटल है उसमें रख दिया, ताकि अभी वो घर पे जाता था उसको मालूम नहीं रहता था कि मैं पॉजिटिव है, मगर वो बाकी के लोगों को संक्रमित करता था ना, वो अभी स्टॉप हो गया। अपने को कोरोना की चेन ब्रेक करने का, ये ब्रेक करने के लिए कोरोना पे लगाम लगाने के लिए और मुंब्रा का जो कम हो रहा है ना, तो अपने को 0 पे लाने का है। इसके लिए अपना सब लोगों का, हमारे सभी लोगों का तैयारी चल रहा है कि भाई इसको कैसा 0 करके कोरोना, बोले तो ऐसा है कि कोरोना को हराने के अपने को कैसे भी करके। क्या अभी गुलाब पार्क मार्केट में मैं मौजूद हूँ। गुलाब पार्क मार्केट का एक बहुत ही बड़ा हमेशा इशू रहे चल रहा है जब से लॉकडाउन लगा है, तो अभी हर दुकानदार को जा करके कोविड का टेस्ट कराना है, उसकी पावती अपने पास रखी है, और एक टेस्ट उनका फिटनेस का टेस्ट चालू है जो शादी महल हॉल के नीचे आज उसका कैंप चल रहा है, अभी भी चल रहा है, और दरगाह गली में पूरे पूरे दिन चलता है, पूरे महीना चल रहा है। जब तक पूरे मुंब्रा कौसा का टेस्ट नहीं हो जाएगा, दरगाह गली में उसका टेस्ट चालू है फ्री ऑफ कॉस्ट का, और कोरोना का भी उसके कुछ चार्जेस है, हमने महानगर पालिका उसके 2500 रुपया चार्जेस है, कोविड का जो टेस्ट है उसका 2500 रुपया चार्जेस है। हमने महानगर पालिका के तमाम स्टाफ से बात की, हमने महेश शेरे साहब, गोसावी साहब, माननीय जितेंद्र अहवार साहब से बात की कि सर जो कोरोना का टेस्ट है 2500 रुपया जो चार्जेस है, वो जो 2500 रुपया रेट है उसमें थोड़ा कम किया जाए, और इंशाल्लाह पूरे शहर के दुकानदार जा करके उसका टेस्ट कराएंगे।